राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मेरी लोकेशन थोड़ी सी बदली हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि आज मैं अपने बेडरूम में शूट कर रही हूँ। रात का समय है, आप देख रहे होंगे कि दूसरे फ्लैटों की लाइट दिख रही है और बहुत ज्यादा फ्रेश एयर चल रही थी, तो मेरा मन जो है वो प्रकृति की ओर ज्यादा तरफ भागता है। अगर कोई मुझसे कहता है कि आपको घूमने में क्या पसंद है, तो फिर मेरे को घूमने में हिल स्टेशन ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश एयर होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। आज का जो विषय है वो विषय है कि इतना रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मेरे को बहुत सारे डीएम आए कि दीदी प्लीज इस पर वीडियो बनाओ, प्लीज इस पर वीडियो बनाओ। मैंने 2-3 बार अपने क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में इस प्रश्न का उत्तर देने की भी कोशिश करी है, लेकिन आज मैं पर्सनली एक पूरा वीडियो मैं इस टॉपिक पे बना रही हूँ। वो है कि हमारे घर की टूटी फूटी खंडित प्रतिभाओं का, टूटी फूटी खंडित मूर्तियों का आखिर क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले खंडित मूर्ति की डेफिनेशन क्या होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूंगी कि आखिर खंडित मूर्ति किसे कहते हैं, या फिर खंडित प्रतिमा किसे कहते हैं, या भगवान की खंडित मूर्ति होती क्या है, तो बहुत सारे लोगों का एक ही आंसर होगा कि उस मूर्ति का कोई भी अंग टूट जाना, हाथ टूट जाना, पैर टूट जाना, कहीं किसी भी प्रकार की क्षति उस मूर्ति में हो जाती है तो वो खंडित मानी जाती है। किसी भी प्रकार का अंग उस प्रतिमा का टूट जाता है तो वो खंडित माना जाता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, ये आधी अधूरी है। तो जो आपने मेरे को ये जो आप लोग डेफिनेशन जानते हैं ना, ये आधी अधूरी जानकारी है। तो पूरी जानकारी ये होती है, खंडित मूर्तियां वो मूर्तियां होती हैं, एक जो आपने बताया कि जिसका किसी भी प्रकार से अंग क्षति हो जाता है, अंग टूट जाता है, मूर्ति टूट जाती है। सेकेंड, वो मूर्ति भी खंडित मूर्तियों में मानी जाती है जिनकी आभा चली जाती है। आभा अर्थात जिस मूर्ति की चमक चली गई है, जिस मूर्ति में से शाइन चली गई है, जिस मूर्ति के कलर फेड हो गए हैं, ये मूर्ति भी खंडित मूर्तियों की श्रेणी में रखी जाती है। मतलब मैंने जब मैं देखती हूँ ना, तो मेरा हृदय बड़ा व्याकुल होता है कि लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। पीपल के पेड़ के नीचे कुछ मूर्तियां पड़ी होती है, ये मैंने देखा है। मतलब 2-3 ओकेशन है, जैसे कि गणेश जी की प्रतिमा जब स्थापित की जाती है, गणेश चतुर्थी जब आती है, गणेश विसर्जन के टाइम ये होता है, नवरात्रों के समय ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है, और दिवाली के बाद लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति का हार भी मैंने कुछ इसी प्रकार से देखा है। लोग क्या करते हैं, अपने घरों से निकाल देते हैं अगर मूर्ति खंडित हो जाती है, और जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, और वहां पे कई बार कुत्ते टॉयलेट कर रहे होते हैं, कई बार पोस्टर भी लोग रख देते हैं, और वो पोस्टर हवा में उड़ जाते हैं, और फिर हवा में उड़ के वो सड़क पे आ जाते हैं, उस पर लोगों के पैर पड़ रहे होते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की। देखिए, आप जिस मन से मूर्ति को घर पे लेकर आए थे, आपको उसी मन से उसको विदा करना चाहिए। देंगी यमुना जी आजकल सब मना करते हैं, तो भैया पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप अपनी प्रतिभा रख के आ रहे हैं और कुत्ते आके वहां पे टॉयलेट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए आपने भगवान का मान कहां रखा है? आपने तो अपने सिर से बोझ उतार दिया, फिर वो कहीं भी जाए, ऐसा नहीं होता है। आज मैं आपको पूरी डिटेल में ये बताने वाली हूँ कि आखिर उन मूर्तियों का करना क्या है। सबसे पहले मूर्ति जो है, कोशिश कीजिए कि आप मिट्टी की मूर्ति खरीदिए, ठीक है, क्योंकि वो पंच तत्व से बनी होती है। मिट्टी जो है, मिट्टी में 5 तत्व विद्यमान है। 5 तत्व कौन कौन से है? क्षितिजल पावन गगन सरीमीरा, पंच रत्न ये अधम सरीरा। अर्थात जिन 5 रत्न से, जिन 5 चीजों से हमारा शरीर मिलकर बना है, वही 5 रत्न मिट्टी में विराजमान होते हैं। कहते नहीं मिट्टी, माटी का खिलौना है, माटी में मिल जाएगा। अर्थात पंच तत्व में विहीन हो गए, अर्थात मिट्टी में मिल गए। तो ठीक, आपको अगर कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी की प्रतिमा खरीद रहे हैं तो वो मिट्टी की बनी हो, ठीक है। अब प्रतिभा भी 2 प्रकार की होती है, एक मिट्टी की होती है और दूसरी संगमरमर की भी होती है, पंचरत्न की भी होती है, अष्ट धातु की भी होती है, पीतल की, तांबे की, बहुत बहुत टाइप की आजकल तो आ गई है। तो आपकी जो भी मूर्ति खंडित हुई है, तो सबसे पहले आप उसको उठाइए, देखिए कि आखिर वो किस चीज की मूर्ति है। अगर वो मिट्टी की मूर्ति है तो आपको क्या करना है, आपको उसको अपने मंदिर से अलग हटा दीजिए। मंदिर में हटाने से पहले आपको उनको नए वस्त्र धारण कराने हैं। नए वस्त्र आप धारण नहीं करा सकते, आपकी प्रतिमा वस्त्र नहीं पहनती है, तो आप एक पीला कपड़ा या फिर लाल कपड़ा लेके आना है,
थोड़ा सा अक्षत लेना है, अक्षत उस पीले कपड़े और लाल कपड़े में रख देना है। अक्षत का अर्थ होता है जिसका एक भी अक्षर टूटा हुआ नहीं होता, मतलब साबुत चावल को अक्षत बोलते हैं। ठीक है, चावल और अक्षत दोनों अलग होते हैं, जिसका एक भी दाना खंडित नहीं होता है उसको अक्षत लेना है। अक्षत को अगर आप पीला कर देते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, आपको अक्षत को पीला कर लेना है। पीला करने के तत्पश्चात आपको उस मूर्ति को उस लाल कपड़े में अक्षत को रख देना है और उसी लाल कपड़े में आपको मूर्ति रख देनी है। ठीक है, जब भी आप सप्त नदियों में जाएं, ये मैं आपको मिट्टी की बात बता रही हूं कि जो मिट्टी की मूर्ति होती है उनका क्या करना है। जब भी आप सप्त नदियों में जाएं, सप्त नदियां अर्थात गंगा जी हो गई, यमुना जी हो गई, यमुनोत्री हो गई, गंगोत्री हो गई, मतलब जब भी आप यहां पे जाते हैं तो इनको आप प्रवाहित करके आ जाइए। ये मिट्टी की होती है, क्योंकि ये मिट्टी की है, धीरे धीरे मिट्टी बन जाएगी और मिट्टी बन के वो आराम से नीचे बैठ जाएंगे। अब सेकंड आती है कि जो संगमरमर की मूर्ति है, जो पीतल की मूर्ति है, जो तांबे की मूर्ति, उनका क्या करें? उनको भी आपको अक्षत जरूर रखना है। आपको एक लाल या पीला कपड़ा लेना है, उस पे उस मूर्ति को विराजमान करना है, थोड़े से अक्षत हल्दी लगे हुए उसमें डालने हैं और उसको अच्छी तरीके से बांध देना है। और फिर आप कोई भी एक खाली गड्ढा करना है, चाहे आप पीपल के वृक्ष के पास कर सकते हो, नीम के वृक्ष के पास कर सकते हो, जो हमारे सात देव वृक्ष हैं उनके पास भी कर सकते हो, या कहीं खाली स्थान में गड्ढा कर सकते हो, कोई भी खाली स्थान हो जिसमें आप गड्ढा कर सकते हो। ठीक है, आप अपने खेतों में गड्ढे कर सकते हो, आप अपने कच्चा मकान है तो कच्चे मकान में गड्ढा कर सकते हो, आप नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे रख के नहीं आनी है, गड्ढा करना है। गड्ढा करने के बाद उस मूर्ति को वहां पे ऐसे ही दबा के और ऊपर से मिट्टी गड्ढा भर के तब आपको वापस आना है। तो ये दो तरीके होते हैं मूर्ति विसर्जन के। ठीक है, मिट्टी की मूर्ति है तो वो पानी में मेल्ट हो जाती है और पंच तत्व में विहीन हो जाती है, और अगर तांबे की मूर्ति है या फिर संगमरमर की मूर्ति है, प्रतिमा है, या फिर किसी भी और तांबे की अष्ट धातु की है, तो फिर आप उनको किसी भी अच्छी जगह पे गड्ढा करके दबा के आ जाइए। एक ये बहुत अच्छा सोल्यूशन मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब मैं आप पूछोगे, दीदी चावल डालना क्यों जरूरी होता है? चावल डालना इसलिए आवश्यक है क्योंकि चावल डालने से उसमें जो भी शक्तियां, जो भी ऊर्जा विद्यमान है, आप मंत्र पढ़ के चावल डालिए। मंत्र अर्थात मन ही मन में बोलिए कि हे जिसकी भी मूर्ति है, माता रानी आप हमारे घर में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मूर्ति से निकल के अब दूसरी नई मूर्ति में स्थापित हो जाइए और वो चावल आप छिड़क दीजिए। ठीक है, जो भी आपके मन में जैसे भी विचार आ रहे हैं, ये मैंने आपको एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। अगर आप किसी भी बहती हुई मूर्ति में या गड्ढा वाली मूर्ति में चावल साथ में डाल देते हो ना, तो उसकी जो देव शक्ति है वो खत्म हो जाती है और वो केवल एक केवल प्रतिमा बन के रह जाती है। ठीक है ना, तो आपको यही करना है और यही प्रोसीजर होता है। और नेक्स्ट जो दूसरी वीडियो है, मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपके घर पे जो भी शास्त्र रखे हुए हैं, जैसे कि महामृत्यु मंत्र की किताब होती है, हनुमान चालीसा होती है, गौ चालीसा होती है, सुंदरकांड होता है, गीता, रामायण, भागवत, बहुत सारे हमारे शास्त्र होते हैं, एकादशी व्रत की कथा होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो कुतर जाते हैं, चूहे कुतर जाते हैं, किसी कारणवश वो फट जाती है, सील जाती है, पुरानी हो जाती है, उनका क्या करना चाहिए, ये जानकारी अगर आप चाहते हो तो इस मैं ये जानकारी भी आपको जल्दी और जल्दी यथा शीघ्र देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।